हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से परिवर्तन हुआ। हिमाचल प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ वर्तमान सरकार को परिवर्तन करेंगे। हमें भी उम्मीद थी जो हमारी पूर्ण पसीने की कमाई है, पूर्ण सेवा कार्य जो हमने कमाया है, उसका जो भुगतान है उसको समय पर हम मिलेंगे। लेकिन जब हम 6 फरवरी 2023 को सत्ता परिवर्तन के बाद 200 आदमियों का प्रतिनिधि मंडल सुबह से हम गांव पहुंचे, गांव में शाम 6 बजे तक हमें से कोई बात नहीं की गई। 6 बजे मुख्यमंत्री जी भाई ये शिमला चले गए, रात को आए, रात को भी आने के बाद बात नहीं की। जब सबर का बांध टूट गया तो हमारे मित्रों ने, हम यूपी के अध्यक्ष ने, रामलाल जी ने, अजमेर जी ने, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है जुझारू और कर्मठ अशीष शर्मा से बात की। रात के 12 बजे के करीब आशीष शर्मा उनके आवास पर पहुंचे, खेरा बिश्राग भी घिमी पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि मुख्यमंत्री महोदय, सीनियर सिटीजन जो है 200 के करीब यहाँ पे हैं, सुबह से आपके दरवाजे पे खड़े हैं, अवस्था इनकी हालत ठीक नहीं है, बीमार अवस्था में है, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का है, तो इनसे बात कर ली जाए। तो रात के लगभग 12:30 बजे के करीब वर्तमान मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला, नेतृत्व यहाँ के स्थानीय विधायक आशीष शर्मा जी ने किया। सॉल टेप टोपी पहनाकर और कृपाण पहनाकर तलवार भेंट कर आज हमारी मुख्य मांग है, हमारा जनवरी 2016 से समस्त भुगतान लंबित पड़े हैं और अभी तक 8 वर्ष का कार्यकाल हो गया है। हमारे परिवहन के कर्मचारी अपनी पूर्ण पसीने की कमाई के लिए तड़फ रहे हैं, अपने एरियर के लिए तड़फ रहे हैं, अपने मेडिकलों के बिलों के भुगतान के लिए तड़फ रहे हैं, अपना जो उनकी वेतन बढ़ोतरी है उनके लिए तड़फ रहे हैं। गंभीर अवस्था में हमारे परिवहन के कर्मचारी है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई टांग से चल नहीं पा रहा है। तो इस हालात में हमने इनको एक मांग पत्र दिया था और मांग पत्र पर जब तक आज तक नहीं सुनी तो हमने मंडी में निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में हम अपनी मांगों में नहीं, अपने अधिकार जो हमारा अधिकार बनता है उसके समर्थन में हम पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान करेंगे और सरकार के विरुद्ध आक्रोश रैली करेंगे। तो हमारी जो मुख्य मांग है, 1/16 से जितने भी हमारे भुगतान लंबित है, चाहे 2 इंक्रीमेंटों का है, चाहे चालकों की 2 इंक्रीमेंट है, चाहे कनेक्टर की 2 इंक्रीमेंट है, चाहे 65, 70 और 75 वर्ष के बाद जो 5, 10, 15% का पेंशन लॉन्स मिलता है उसको तुरंत प्रभाव से दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब आपकी माता श्री 65, 70 और 75 वर्ष और 80 वर्ष का पेंशन अलाउंस ले सकती है तो मेरी माता बहनों ने, इन बुजुर्गों ने क्या गुनाह किया है, इन्होंने क्या गुनाह किया आपसे। मेरी आपसे अपील है कि अपनी माता श्री की भांति मेरे परिवहन के कर्मचारियों को भी 65, 70 और 75 वर्ष के उपरांत पेंशन अलाउंस दिया जाए। और सबसे प्रमुख मांग हमारी है, हमारे परिवहन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, बेईमानी की जा रही है। प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को एरियर की 2 किस्तें दी गई, उन्होंने 2 किस्तें ले ली। हमारे परिवहन के कर्मचारियों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अग्नोत्री या अपने फूटी कौड़ी तक नहीं दी मेरे परिवहन के कर्मचारियों। हम मांग करते हैं कि आप प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर हमें भी वो 2 किस्तें दी जाए। और वर्तमान में जो आपने अभी 1 अगस्त को निर्णय लिया है, 31 जुलाई को निर्णय लिया है, उसके अंतर्गत हमारे को भी 1 लाख रुपए की किस्त दी जाए, हमारे साथ पक्षपात न किया जाए, जितने हमारे देय भत्ते उन सब का भुगतान किया जाए। अन्यथा आज हमने आपके क्रिया जिला में आकर, वीरभूमि में आकर आपको ललकारा है,
हमीरपुर की जनता ने आपको ललकारा है, हमीरपुर के रिटायरियों ने आपको ललकारा है। आप जल्दी होश में आ जाओ, हमसे बात करो। अगर बात नहीं भी करनी है तो आप तुरंत प्रभाव से हमारे जो लाभ है, कैरियर लंबित है, उन सभी का भुगतान करो। हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका अभिनंदन करेंगे, हम आपका धन्यवाद करेंगे। अगर आपने अड़ियल रवैया अपनाया तो हो सकता है ये जो वीरभूमि हमीरपुर से चिंगारी होगी, आज में आपको आत्मसात होना पड़ेगा। ये चिंगारी पूरे प्रदेश में लेकर किन्नौर से लेकर चंबा और सिरमौर तक जाएगी और हमारे साथ ही दूसरे विभागों के कर्मचारी भी मैदान में उतरेंगे, संघर्ष के लिए उतरेंगे और आपको वादा कर देंगे, आपको तुरंत घोषणा करने पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि दे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप मीडिया कर्मचारियों का प्रिंट, मीडिया कर्मचारियों का, मेरे परिवहन के कर्मचारी, इस बुढ़ापे में हमाम सारे परिवार सहित आप मीडिया कर्मचारियों का हम ऋणी है, हम आपका ऋण नहीं भूलेंगे, जिनके माध्यम से हमारी आवाज देश भर में पहुंच रही है।